आप देखिए इसी समय, अगर आप में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो, एक सप्ताह पहले जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो विश्व की आर्थिक जगत की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, उसकी जो प्रमुख है महिला है, उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले वर्ष, उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि इंडिया विल बी द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा भारत होगा और विश्व की वृद्धि दर में 15% का योगदान अकेले भारत करेगा। तो आप सोचिए ये यथार्थ की दृष्टि पे भी धरातल पे बिल्कुल उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये भी एक संयोग देखिए कि इस समय में उड़ीसा को जितना सम्मान और स्थान केंद्रीय सरकार में प्राप्त है शायद पूर्व में नहीं रहा होगा। इस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उड़िया है। जब भारत अर्थव्यवस्था के इस दौर में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव आप ही के प्रांत से हैं, तीन तीन मंत्री आपके प्रांत से हैं, मतलब रेलवे मिनिस्टर भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं और अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर मुझे ऐसा लगता है। और इतना ही नहीं, और इन सबसे ऊपर अगर कहें तो देश के इतिहास में पहली बार महामहिम राष्ट्रपति के पद पर अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हुई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे सुंदर अमृत का तत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी। किस रूप में, इसको दो दृष्टियों से समझें। पहली बात, इस देश में चार पांच ऐसे पद माने जा सकते हैं जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। और यदि माने तो समाज में चार पांच वर्ग कहे जा सकते हैं, एक सामान्य वर्ग जिसे आप सामान्य भाषा में फॉरवर्ड क्लास कहते हैं, पिछड़ा वर्ग जिसे अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज। अब इन 75 सालों में कोई भी नहीं कह सकता इन पांचों में से कि देश के सर्वोच्च पांच पदों में से किसी एक बार मुझे एक बार भी बैठने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब सामाजिक समरसता का वह भाव जो बहुत आवश्यक था वो हम इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में पाने में सफल हुए। उसमें एक और भी कारण है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बागडोर संभाली तो आप याद करिए 15 अगस्त 2014 को जो उन्होंने पहला उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने दो बातें ऐसी कही थी जिसके लिए राजनीतिक पंडितों ने कहा था ये क्या है, ये तो नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है, इसका राजनीति से क्या लेना देना, एक स्वच्छता अभियान और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा ये नॉन पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं, बोलने की क्या जरूरत थी। मगर वो इसलिए बोला गया क्योंकि वह जनादेश सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, विचार बदलने के लिए था, मानसिकता बदलने के लिए। इसलिए आप देखिए कि जब स्वच्छ भारत की बात कही तो याद करिए उससे पहले कितनी सहजता से हाथ में कोई कागज का टुकड़ा हो, रैपर हो, कूड़ा हो, जितनी सहजता से लोग सड़क पे चलते हुए कहीं भी फेंक दिया करते थे। अब विचार बदला है, हमारे आप में किसी के भी हाथ में होता हम रुकते हैं और देखते हैं कूड़ादान या डस्टबिन कहां है वहां पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना अंतर पड़ा कि भारत में नवजात शिशुओं में जो लिंग अनुपात था उसमें पिछले 8 वर्षों में भारी सुधार दर्ज किया गया। और वे राज्य जो इसमें सबसे खराब स्थिति में थे, हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य, उनमें भी भारी सुधार हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आह्वान सच्ची नीयत से किया जाए तो समाज में वह परिवर्तन दिखाई पड़ता है।